नमस्कार। तो आज आप मुझे देख सकते हैं, मैं उदयपुर आया हुआ हूँ और शायद 2023 एडमिशन सीजन स्टार्ट होने से पहले दिल्ली के बाहर का मेरा आखिरी ट्रिप है और पर्पस मेरा ये है कि भाई घूमने के साथ साथ आपको 500 कॉलेज के दर्शन करा दूं और अपना फीडबैक अपना व्यू दे दूं। तो आज मैं भाग रहा हूँ गीतांजलि के और मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले थोड़ा सा अगर मेरे राइट पे देखे आप, थोड़ा सा आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है, वापस आ जाइए। 7 एम्बुलेंस खड़ी है इस समय बाहर। तो बस और मैं आगे क्या बोलूँ, मतलब सिर्फ राजस्थान नहीं लेकिन नॉर्थ के भी मैं सारे अगर प्राइवेट कॉलेज गिन लूँ, मतलब इस कॉलेज को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि इस कॉलेज का अस्पताल अपने आप चल रहा है। ये अस्पताल जबरदस्ती नहीं खोला गया है कॉलेज के लिए, दिस अस्पताल इज सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रनिंग। इस समय जो OPD वाला रिसेप्शन होता है उसमें 200 जनों से ऊपर है। जी हाँ, 200 जने। देखिए राजस्थान में मैं एक बात और बता दूँ, एक बड़ी भयंकर वो चिरंजीवी बीमा योजना चल रही है जो पहले भामाशाह हुआ करती थी, अशोक गहलोत जी ने उसका नाम बदल दिया, जिसके अंदर गरीबों के लिए फ्री इलाज होता है और बहुत अच्छा इलाज होता है प्राइवेट अस्पतालों में भी। तो उस वजह से सारे प्राइवेट अस्पताल जनरली राजस्थान के फुल रहते हैं, पर इसकी जो फुलनेस है वो तो अजब ही है। जैसे मैंने वो दिखा दिया, 7 तो अभी एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, 3-4 बाहर भी गई होंगी। तो जिस अस्पताल के बाहर 12-15 एम्बुलेंस हैं, OPD में 200 लोग हैं, शानदार यूनिवर्सिटी है, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, डेंटल कॉलेज भी चलता है, फिजियोथेरेपी भी चलती है। उदयपुर शहर से सबसे निकट ये कॉलेज पड़ता है, मतलब जो उदयपुर स्टेशन है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इतना छोटे शहर है ये सारे कि हम टेक्निकली शहर के बाहर हैं। मैं ये भी आपको बता दूँ, मुझे टैक्सी वाले ने बताया ये जो रोड आपको दिख रही थी जहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही हैं ये दिल्ली से आ रही है और यही रोड आगे बॉम्बे जा रही है। तो फेमस जो ओल्ड दिल्ली बॉम्बे रूट है जो उदयपुर के थ्रू जाता है वो यही रास्ता है और आगे जाएंगे तो बॉम्बे अहमदाबाद आएगा, पीछे जाएंगे तो दिल्ली जयपुर आएगा जो सीधी रोड आ रही है। और ये एक तरह से अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो उदयपुर से आने से 2 किलोमीटर पहले बिल्कुल पहले ही आएगा, जो बिल्कुल तो जस्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ द शहर, बट टेक्निकली सिटी से 2 किलोमीटर बाहर है, 3 किलोमीटर बाहर है। बट मैं ये भी कहता हूँ छोटे शहरों में 3 किलोमीटर बहुत होते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे रिक्शा खड़े हैं, कम से कम 25-30 वो शेयरिंग ऑटो खड़े हैं, ये सब उन मरीजों को लेकर ही आए होंगे जिनका अंदर इलाज चल रहा है। जैसा मैंने कहा 10 एम्बुलेंस खड़ी है, हाईवे चल रहा है, वहाँ से भी लोग पेशेंट आते रहते होंगे। ग्रेट कॉलेज, ग्रेट इंफ्रा, ग्रेट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, एवरीथिंग ग्रेट। और एडवांटेज ये है गीतांजलि का कि खुद यूनिवर्सिटी भी है, तो ये एग्जाम वगैरह कंडक्ट करने में राजस्थान यूनिवर्सिटी में डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने भी हॉस्टल के बारे में इतना पता नहीं कर पाया, मैं आपको सच बताऊं वो हम अलग से पता कर लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल फीडबैक है एज फार एज एजुकेशन वुड बी कंसर्न, एज वेल एज पेशेंट फ्लो इज कंसर्न, खाना पीना इज कंसर्न, क्योंकि उदयपुर इज ए टिपिकल नॉर्थ इंडियन सिटी, राजस्थानी सिटी। तो आपका बच्चा खाना पीना, पढ़ना, रहना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हॉस्टल के अंदर भाई डबल शेयरिंग है, सिंगल शेयरिंग है या कॉमन टॉयलेट है वो मैंने अभी पता नहीं करा है, वो पता अलग से कर लेंगे, कमेंट पे डाल देंगे या हम सब लोग भी कर ही सकते हैं। बट इसके अलावा इट्स अ फंटास्टिक कॉलेज, मतलब अस्पताल में जाके तो दिल खुश हो गया, नॉट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, जो भीड़ इतनी है। और पीछे आपको दिख रहा है वो मेन एंट्री गेट है हॉस्पिटल का, कॉलेज का गेट अलग है, मेन यूनिवर्सिटी का गेट अलग है, मतलब एवरीथिंग वेरी वेरी अप टू द मार्क। मतलब जयपुर का जो MGM है उसके बाद नंबर 2 मैं इसको मान सकता हूँ राजस्थान का, JNU जयपुर से ऊपर, NIMS से ऊपर, डेफिनेटली ऐसे स्थानीय से ऊपर। अगले 2 दिन में मैं बाकी उदयपुर के 4 कॉलेज भी देखूंगा, दोनों पैसिफिक, अनंता और अमेरिकन, और फिर आपको एक फाइनल रेटिंग दूंगा मेरे हिसाब से कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की 4 रेटिंग है। ओके, आपका दिन शुभ हो, इसी चैनल को देखते रहिए, हमारी सर्विसेज चाहिए 9643362320 पे कॉल कीजिए। बाय बाय, नमस्कार।